आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चुनावी पारा चरम पर पहुंच गया है। जनता किसकी सरकार बनाएगी, जनता किसको पसंद करती है, किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये चर्चा हर तरफ चल रही है। सी न्यूज संवाददाता ने ट्रेन में जाना चुनावी हाल, क्या कहते हैं ट्रेन यात्री, आइए देखते हैं ट्रेन में चुनावी चर्चा हमारे संवाददाता के साथ। यूपी का चुनावी महासंग्राम तेज हो गया है। किसकी सरकार बनेगी, कौन उत्तर प्रदेश का सीएम बनेगा, इसको लेकर हर तरफ चर्चा है। हर स्थान पर हर व्यक्ति यही चर्चा करता दिखाई दे रहा है। इस समय हम ट्रेन के अंदर मौजूद हैं, ट्रेन में भी यही चर्चा है कि सरकार किसकी बनने वाली है, कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का? योगी सरकार आएगी, बीजेपी सरकार। क्यों, क्या खास बात है? बीजेपी सरकार में जो विकास हुआ है यूपी का, वो अभी तक कभी कहीं नहीं नहीं हुआ किसी के भी, उसमें ना मायावती के हुआ ना अखिलेश के राज्य में हुआ है। इसीलिए सब लोग यूपी के लोग यही चाहते हैं कि फिर से योगी सरकार आए। आप समझ सकते हैं कि जनता का मिजाज क्या है, क्या मूड है जनता का, जनता क्या कुछ चाहती है। अभी किसकी सरकार बनेगी? योगी जी। क्यों, क्या खास बात है योगी जी? जो जो कुछ योगी सरकार में हुआ पिछले 5 सालों में, मतलब जो भी टाइम है, तो इतना तो कभी किसी सरकार में नहीं हुआ था, इतना विकास कभी किसी सरकार में नहीं हुआ जितना अभी तक योगी सरकार को देखने मिला है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या लोगों का मिजाज है, कि हाँ भाई क्या चाहते हैं आप, क्या किसकी सरकार बनने वाली है यूपी में? समाजवादी पार्टी। हाँ, क्या खास है समाजवादी पार्टी का? देखिए, कहने को तो बहुत कुछ खास है और उन्होंने बहुत कुछ करा भी है। आप क्या बोले, हर चीज़ के बारे में सर्वे कर लें, यानी सड़क के बारे में। क्या नाम आपका? मेरा नाम नूर मोहम्मद है। खास खास क्या किया अखिलेश जी ने? अखिलेश ने देखा हर चीज के ऊपर तवज्जो दी है। क्या मिजाज है, लोग क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बनेगी यूपी में? अखिलेश यादव। क्यों? ये बहुत काम किए हैं हमारे पढ़ाई में, ये योगी सरकार लॉकडाउन लगा रहे हैं, ये फलान ठिकान पढ़ाई नहीं हो पाई रही। आप खुद समझ सकते हैं कि क्या मिजाज है, लोग क्या कुछ चाहते हैं, और ट्रेन के अंदर सब कुछ आंकलन हो जाता है। किसकी सरकार यूपी में चाहते हैं आप? बीजेपी। क्यों, क्या खास बात है? बहुत सी स्कीम लेके आए हैं उन्होंने, बहुत सी स्कीम लेके आए हैं, और देखा जाए तो उन्होंने 5 साल में राजमार्ग का भी बहुत अच्छा काम किया है, गरीबों के लिए बहुत कुछ लेके आए हैं। और योगी जी के राज में सबसे बड़ी बात कि गुंडागर्दी जो ख़त्म हुई है वो सबसे बढ़िया है, पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छा है इस टाइम। अखिलेश जी के राज में काम बहुत अच्छा हुआ है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, काम किया है, लेकिन उनके राज में क्या है कि गुंडागर्दी ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से उनका जो काम किया हुआ होता है वो दब जाता है कहीं ना कहीं। लोगों की क्या राय, क्या सोचते हैं लोग, आप क्या सोचते हैं? बताएंगे पंडित जी, बताएंगे। आप क्या सोचते हैं? बड़ा परेशानी हो रही है। नहीं, सरकार यूपी में किसकी आएगी? सरकार तो योगी की आएगी। क्यों, क्या क्या खास है योगी जी? काम हो रहा है। आप यात्रा कर रहे हैं ट्रेन के अंदर, ट्रेन का अपना ही मजा है। मजा है, हाँ। आप किसकी सरकार आने वाली है? योगी जी की सरकार आएगी। क्यों, क्या खास है? वो इसलिए आएगी क्योंकि देखो, एक तो पावर, गुंडागर्दी और एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इन पे सब पे ध्यान दिया जा रहा है। मैं ना गुंडागर्दी जिस स्टेट में नहीं होगी वो बेटर है पिछली सरकार के अपेक्षा। अब की सरकार पे देख सकते हैं कि योगी सरकार एक मजबूत सरकार है और वो ही आएगी। आप क्या चाहते हैं कि योगी सरकार आएगी? क्यों, क्या चाहते हैं? गुंडागर्दी का और सबका साथ सबका विकास वाला लेके चल रहे हैं, कोई तो हम लोगों के भी कॉलोनी आई, कोई वंशवाद नहीं है, कोई वंशवाद नहीं, क्योंकि जो मेहनत करता है वही आगे जाता है। किसी की ये नहीं है कि भाई मेरा पापा अध्यक्ष है तो उसके बेटे को मिलेगा, नहीं, जो मेहनत करेगा वो आगे आएगा। इसलिए बिल्कुल सर, ऐसा ही है, हर किसी को एक साथ में लेके चल रही है। ऐसा नहीं है कि हिंदू को कुछ और मुस्लिम को कुछ और, हिंदू को भी कॉलोनी है और मुस्लिम लोगों के लिए ऐसा ही शौचालय, सब घर में शौचालय। आप देख सकते हैं क्या राय है,
पूर्व की सरकार की और वर्तमान की सरकार की क्या राय है? आप युवा हैं, क्या चाहते हैं? योगी सरकार ही आनी चाहिए। क्यों, क्या खास बात है? बहुत 5 सालों में उसने बहुत कुछ कर चुका है हमारे लिए, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया उसने, रुपए वगैरह बांटे हैं, सब कुछ अच्छा किया है, बहुत कुछ किया है उसने योगी सरकार में आने के बाद। इतना और किसी में नहीं हुआ जितना योगी। आप समझ सकते हैं कि जनता का आखिर मूड क्या है, जनता क्या कुछ चाहती। ट्रेन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोगों को मैनेज नहीं किया जा सकता, वहाँ पर लोगों को अपनी पसंद का बैठाया नहीं जा सकता, लेकिन लोग क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं दिल्ली से हूँ, यूपी से नहीं हूँ, फिर भी यूपी में गुंडागर्दी खत्म की है बीजेपी ने, बीजेपी का इरादा है, योगी आदित्यनाथ ठीक है। किसकी सरकार बनने वाली है यूपी में? बीजेपी। क्यों, क्या खास है ये? 3 चीजें, प्रशासन, एजुकेशन और फैसले लेने की शक्ति। योगी के जैसे फैसले मैंने तो नहीं देखा आज तक किसने इससे पहले लिए हों कभी भी। अच्छा, इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी, और वोट भी देना चाहिए। अच्छा, इंसान को उसको लिए करें हैं उसने काम। अच्छा, चाहे कुछ नीति बीजेपी की सरकार की गलत हो, लेकिन योगी मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत करा है उसने अभी तक, तो इसलिए। की सरकार यूपी में बनने वाली है, योगी की सरकार बनने वाली है। क्यों, खास बात क्या है? खास बात तो आपको पता ही है, सबको भी पता है, क्योंकि आज के देखने में तो यही है कि जो सरकार कर रही है, आगे तो पहले ऐसा हुआ नहीं था ना, सब कुछ पैसों से मिल रहा था, और योगी की सरकार है तो आपको पता है कितना फ़ायदा हो रहा है, हर चीज़ से हमें पता चल रहा है बस। तो इसी बार मोदी की तो योगी की सरकार तो बनेगी। समझ सकते हैं आप क्या कुछ लोग चाहते हैं, क्या कुछ चाहते हैं लोग, किसको चाहते हैं, किसकी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बननी चाहिए, क्या कुछ लोगों का नजरिया है। बहरहाल, किसकी सरकार बनेगी, कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, इसका पता 10 मार्च को चल जाएगा। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।